हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ CUCET की पॉसिबिलिटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी सुनने को मिल रही है जो आपके 12th क्लास के एग्जाम्स हैं वो कैंसिल होने के चांसेस हैं। अगर 12th क्लास के एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो क्या CUCET की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, बात कर लेते हैं क्लास 12th के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, क्या 12th के जो बोर्ड्स एग्जाम्स हैं वो होंगे या नहीं होंगे। गाइस, सिंपली CBSE की ऑफिशियल अपडेट पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। थोड़ा सा यूट्यूब की दुनिया से थोड़ा सा साइड हो जाइए। जो रूमर्स फैला हुआ है यूट्यूब पे, हर घंटे कैंसिल हो गए, कैंसिलेशन, कैंसल्ड, कैंसिलेशन, थोड़ा सा अपना दिमाग को साइड रखिए, बस आप पढ़ाई पे फोकस करिए। अभी इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। आपके कैंसिल हो जाएंगे तो अपने आप मार्क्स मिल जाएंगे, इंटरनल बेस पे मिल जाएंगे, प्री बोर्ड के बेस पे मिल जाएंगे। प्लीज़ थोड़ा सा दूर हो जाइए इन सब चीज़ों से, अपनी आप पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। मतलब शुरू कर दीजिए कि आपने शुरू कर दिया होगा, बट उस पर थोड़ा सा रिविजन पे और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इन सब वीडियो से दूर हो जाइए। जब कैंसिल होने होंगे, जब हो जाएंगे, जब होने होंगे तब भी हो जाएंगे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। बट मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ, जब तक एक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती, CBSE खुद चाहता है कि वो अपने स्टूडेंट को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करे, जो भी डिसीजन लेना चाहता है। जो भी आज भी मीटिंग हुई थी उसके अंदर बताया गया कि अभी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, थोड़ा सा टाइम और चाहिए उन्हें सोचने के लिए, विचार करने के लिए। सो, ऐसा देखा जा रहा है कि भाई आपके जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट होने के चांसेस हैं। मैं देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं किसी के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा, किसी के मतलब किसी के कहने पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ 12th क्लास को इकोनॉमिक्स, जो आपके एग्जाम है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। गाइस देखो, बात ऐसी होती है, एक स्टूडेंट होता है वो पूरे साल मेहनत करता है और लास्ट टाइम पे आके उसे ऐसे नंबर बांट दिए जाएं तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। सो इसी के रिगार्डिंग भी वहाँ पे मीटिंग के अंदर ये बात की जा रही है कि जो आपके मतलब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो साल भर मेहनत करते हैं, और वैसे भी 12th में तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही, मतलब मैक्सिमम क्या, सभी मेहनत करते हैं ताकि उनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ताकि उनको एक आगे जाके एक अच्छी जॉब मिल जाए। सो यही सारी बातें हो रही है मीटिंग के अंदर कि भाई क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। मतलब वो ये चाहते ही हैं कि सभी स्टूडेंट के साथ फेयर हो, किसी के साथ अनफेयर ना हो जाए। सो, ये सारी मीटिंग के अंदर बातें चलती रहती है, हमें तो अपडेट मिलती रहती है, हमें तो पता लगता रहता है, हमारे नोन है वहाँ पे, कुछ ना कुछ हमें अपडेट मिलती रहती है। सो, प्लीज़ थोड़ा सा आप इन चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान दें कि जो कैंसिल होंगे या नहीं, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहिए, क्योंकि 30th मई तक आपको भी पता है एग्जाम को मतलब पोस्टपोन कर दिया गया था। 1st जून से कोई ना कोई नोटिफिकेशन आने वाला था, ऐसा CBSE ने बोला था। सो वेट करिए 1st जून तक, हो सकता है आपके जो एग्जाम्स है वो 15th जून से होने लग जाए। एक्सपेक्टेशन पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि 15 डेज एटलीस्ट CBSE आपको देगा एग्जाम से पहले, मतलब अनाउंसमेंट जो करेगा 15 डेज का, उसमें गैप रखेगा जो आपके एग्जाम्स होंगे। सो 15 जून तक, अगर 1st जून को कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपके 15 या 16 जून से आपके जो एग्जाम्स हैं वो मतलब कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। सो, इन चीज़ों से दूर रहिए, थोड़ा रूमर से अपने एग्जाम्स पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो है CUCET की क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर आपके एग्जाम हुए तो CUCET होगा, अगर आपके एग्जाम नहीं हुए तो CUCET नहीं होगा। गाइस, ड्यू की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, क्योंकि वो जब तक CBSE का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो ड्यू भी अपना नोटिफिकेशन नहीं बताएगा। बट ये जनवरी के अंदर ऐसा बहुत कुछ हुआ था कि CUCET के चांसेस थे कि 50% ऑफ वेटेज रखी जाएगी आपकी 12th क्लास की, 50% जो आपका वेटेज रखी जाएगी वो रखी जाएगी CUCET के एग्जाम की, जो आपका एडमिशन होने वाला है ड्यू के अंदर। सो प्लीज़, जब तक एक ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बट मैं आपको बता देता हूँ, 75 to 80% चांस है कि आपका CUCET कंडक्ट हो सकता है इस साल, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें बताया गया था कि भाई एक साथ एग्जाम लो, उसके बाद स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दो। सो 80% चांस मैं बोल सकता हूँ आपका CUCET होगा, बट आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपके जो CUCET के फॉर्म होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो पहले ही मतलब अनाउंस कर दिए जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप फिल कर सकते हो। और जब आपके CBSE बोर्ड्स एग्जाम हो जाएंगे देन आपको CUCET का एग्जाम देना होगा। सो इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए कि आपकी जो 12th क्लास की पढ़ाई है और जो आपका CUCET की पढ़ाई है वो मिक्सअप हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ड्यू और CBSE दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। अगर CUCET होगा, जो CBSE के एग्जाम खत्म होने के कुछ दिन बाद आपका CUCET एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मीटिंग चलती रहती है वहाँ पे, डेली डिसाइड करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कोई अपडेट आती है मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करूंगा और साथ ही आपको वीडियो भी बना के दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कर लेना ताकि आपको जल्दी अपडेट मिल जाए। अगर रात में कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली रात में पोस्ट करूंगा,
और सुबह कोई आएगी तो सुबह पोस्ट कर लूंगा। तो इसीलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखिएगा, अगर कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले वहां मैं अपडेट दूंगा। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करना है और मेरी आईडी खुल जाएगी, जाके मुझे फॉलो कर लेना ताकि मैं कोई भी पोस्ट करूं वहां पे, कोई भी अपडेट डालूं, आपको तुरंत पता लग जाए। सो गाइस, ये इस वीडियो में बात करना चाहता था पॉसिबिलिटी के बारे में, आपका सीबीएसई एग्जाम प्लस आपका CUCET। सो ये कुछ अपडेट थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत सारी इंस्टाग्राम पे मेरा क्वेरी थी कि सर थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हमारी थोड़ी परेशानी दूर हो जाए। बहुत सारा मतलब न्यूज आ रही है कि कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे। सो अभी जब तक एक 1 जून तक तो आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद देखा जाएगा भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।